अब उस भ्रम को दूर करने का वक्त है जो भ्रम देश भर में लंपी वायरस को लेकर फैला हुआ है। भारत में लंपी वायरस कहां से आया ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बीमारी जो है सिर्फ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के अब सारे विश्व में पाई जाती है। बेसिकली इसका ओरिएंटेशन जो है वेदर से रिलेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं गीले मौसम की बीमारी। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहीं ना कहीं से तो वायरस ने एंट्री किया होगा, हो सकता है अक्रॉस द बॉर्डर आया हो फिजिकल मूवमेंट से या कोई प्रोडक्ट्स के साथ आया हो, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि अब ये फैलता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। क्या ये कोरोना जैसा वायरस है? ये एक पॉक्स वायरस है, शीप पॉक्स से इसकी वैक्सीन भी बनाई जाती है। ये जैसे कि नाम दर्शाता है, ये सिर्फ चमड़ी को इफेक्ट करता है। ये अमूमन मुंह और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी पाया जाता है और उससे फैलता है। आँखों में डिस्चार्ज आता है, नाक में डिस्चार्ज आता है और ये उस हिसाब से फैलता है, कॉन्टैक्ट से बीमारी फैलती है। लंपी वायरस से बचाव के तरीके क्या है? बचाव का तरीका इसमें सबसे अच्छा है कि वैक्सीनेशन शुरू की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन जानवरों को हुआ है उनको क्वारंटीन किया जाए, और उनकी जो मैन पावर है जो उनको देख रेख करते हैं उनका आदमी लोग, उनको अलग रखा जाए। क्योंकि अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाया कि ये किस वजह, कौन सा ऐसा वेक्टर है जो इसको फैलाता है तो कोई मच्छर या मक्खी टाइप ही, लेकिन कौन सा स्पेसिफिक है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब बीमारी फैल चुकी है, इसलिए क्वारंटीन और वैक्सीनेशन, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। लंपी वायरस के लक्षण क्या है? लक्षण में इसमें नोड्यूल्स आते हैं, जैसे पूरे शरीर पे आपको गांठें दिखेंगी। वो कितना एग्रेसिव है वायरस एक शरीर में ये डिपेंड करता है एनिमल की इम्यूनिटी के ऊपर भी। और अगर डिस्चार्ज ज़्यादा है, सांस की तकलीफ आनी शुरू हो गई या बुखार बहुत तेज़ हो गया, वो दर्शाता है कि सीवियरिटी कितनी है। इसमें दूध काफ़ी कम हो जाता है, जैसे थन होते हैं जो सूज जाते हैं तो दूध नहीं निकल पाता, दूध की क्वालिटी गिर जाती है। क्या लंपी वायरस केवल गायों को ही शिकार बनाता है? अभी तक इसका कोई और एविडेंस नहीं है कि ये किसी और जीव जंतु को तंग करता है। इट्स अ बोवाइन वायरस जिसको हम बोलते हैं, ये दूध देने वाली जैसे गाय हैं, बफलोज हैं, इनके ऊपर ज़्यादा देखा गया। लंपी वायरस से संक्रमित जानवर की मौत की आशंका कितने प्रतिशत है? ये वैसे तो 1 से लेकर 3% 4% तक रिपोर्टिंग करी गई है, मगर हमारे जो यूपी में जो है वो मुश्किल से 1% से भी कम पे इसकी मोर्टेलिटी आ रही है, मतलब जो पशु मर रहे हैं 0.8% है अभी वर्तमान में। संक्रमित पशु के बच्चे अगर दूध पीते हैं तो क्या वो भी संक्रमित हो सकते हैं? वो पशु का बच्चा, अगर गाय का बच्चा, बछड़ा या बछिया दूध पिएगी तो उसको संक्रमित होने की पूरी आशंका है, क्योंकि वो उबाला नहीं जाएगा, वो कच्चा दूध ही पिएगा अगर डायरेक्ट दूध पिएगा तो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।